गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करा था जिसमें हमने इस टाइप के इक्वेशंस को सोल्व करा था। इस टाइप के इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स थे और हमने इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए कुछ टाइप स्टडी करे थे कि सबसे पहले जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं हम इसमें से पी क्यू और आर को देखते हैं कि कैपिटल पी क्या है, कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल आर क्या है। स्मॉल पी क्या होता है? करली जड़ बाय करली एक्स होता है। स्मॉल क्यू करली जड़ बाय करली वाई होता है। हमने जो भी होगा पहले हम इसमें से कंपेयर करते थे, फिर हम क्या करते थे लैग्रेंजे एक्सिलरी इक्वेशंस को लिखते थे। फिर आप क्या करते थे कि सोल्व करते थे यहाँ से इन तीनों की हेल्प से कोई दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे जो LI सॉल्यूशन होते थे, लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होते थे, और उसको इस जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म में लिखते थे। मतलब कि आप इस टाइप की इक्वेशन को के जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस करते हो। तो हमने इसकी काफ़ी टाइप स्टडी करे थे, जैसे टाइप नंबर फर्स्ट था। टाइप नंबर फर्स्ट में वही सेम चलेगा कि जैसे पहले हमने पी क्यू आर को देखा, फिर हमने हम फर्स्ट टू मेंबर से या लास्ट टू मेंबर से देखा तो उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट होंगे यही। और सेकेंड टाइप में क्या करा था, सेकेंड टाइप में करा था कि जैसे पी क्यू डी एक्स बाई पी था, सेकंड टाइप में भी यही चीज़ थी कि हमें कुछ क्या करना होता था सेकंड टाइप में कि पहले की हेल्प लेनी पड़ती थी सेकंड सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे ए इज इक्वल्स टू एक्स वाई था तो हमने बाद में उसकी वैल्यू पुट करी थी। थर्ड टाइप में क्या था, थर्ड टाइप में आपके पास ये था कि ना आपको यहाँ से थर्ड टाइप में आप जो इसमें मल्टीप्लायर्स चूज़ करने पड़ते थे यहाँ से। जैसे पहले दो टाइप में तो क्या था कि जब आप इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखते थे वहीं से आपके सॉल्यूशंस आसानी से फाइंड आउट हो जाते थे, लेकिन थर्ड टाइप में क्या है, आपको मल्टीप्लायर चूज़ करने पड़ते हैं। आपको इस तरह से मल्टीप्लायर चूज़ करने पड़ते हैं कि उसका नीचे वाला जीरो बन जाए, लेकिन नीचे वाले जीरो बन जाए। तो इस टाइप्स के आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करा, जैसे एग्जांपल नंबर जैसे पी था, क्यू आर निकाला, फिर उसके बाद आपने पी क्यू आर फिर देखा, इस इक्वेशन को लिखा, इसके मल्टीप्लायर्स चूज करे कौन सा एक्स वाई जेड और नीचे जीरो बन गया था, तो यहाँ से इसका एक सॉल्यूशन आ गया था। फिर तो आपने दूसरे को मल्टीप्लायर्स को चूज करा। सेम फोर्थ में क्या बना था, फोर्थ टाइप वो टाइप थी जिसमें नीचे वाला जीरो नहीं बन रहा था, मतलब आपने मल्टीप्लाई चूज करा लेकिन जीरो नहीं बना। तो आपने क्या करा, आपने फिर उसके लिए तीनों चारों को कंपेयर करा। इन्होंने क्या कहा, इस तरह की एक्सिलरी इक्वेशन बनेगी क्योंकि इसका नीचे जीरो नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनेगा, तो आपने चारों को इकट्ठा लेकर चले और इसकी हेल्प से, इन चारों की हेल्प से आपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करा था। अब इस नेक्स्ट टाइप क्या है, मिसलेनियस टाइप्स है। मिसलेनियस में आप कोई भी मेथड अप्लाई हो सकता है, हो सकता है कि टाइप फर्स्ट आ जाए, हो सकता है टाइप सेकंड हो, टाइप थर्ड हो, टाइप फोर हो, या चारों का कॉम्बिनेशन हो। तो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ये एग्जांपल्स आपको अच्छी तरह क्लियर होंगे, और इसमें से यही सेम एग्जांपल्स आपके नेट में भी आते हैं। तो इसको ध्यान से देखना हर एक एग्जांपल को कि किसमें क्या टेक्निक्स यूज़ कर रखी है। अब देखो एग्जांपल नंबर एक, स्टेप्स वही हैं स्टार्टिंग के। पहले आपको क्या करना है, पी क्यू आर को फाइंड आउट करना है, उसको एक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। पहले दो स्टेप्स इस पूरे चैप्टर में सेम रहेंगे। तो जैसे आपके पास आपने सोल्व करना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर, आपके पास ये है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स है। तो पहला स्टेप पी क्यू आर को फाइंड आउट करना, करा इन्होंने पी क्यू आर को फाइंड आउट। फिर क्या करते हो, सेकेंड स्टेप एक्सिलरी इक्वेशन को लिखना, लैग्रेंजे एक्सिलरी इक्वेशन लिखी, डी एक्स बाई पी इक्वल्स टू डी वाई बाई क्यू इज इक्वल्स टू डी जेड बाई आर लिखा, वैल्यू पुट करी। अब आपने ये चीज़ ध्यान रखना, इन्होंने जो ये टेक्निक्स यूज़ करी हैं आपकी, आप जितने भी आपकी आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस ट्राई करोगे यही टेक्निक्स यूज़ होगी। कहीं मल्टीप्लायर चूज़ करेंगे, कहीं देखेंगे कि दोनों को माइनस करने से कुछ आ रहा है, तो ये चीज़ें आपको टेक्निक्स ध्यान रखनी है। अब इन्होंने क्या टेक्निक्स यूज़ करी, इस पहले में से दूसरा माइनस करा, डी एक्स माइनस डी वाई करा, डी वाई माइनस डी जेड करा, डी जेड माइनस डी एक्स करा, ये चीज़ करी। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन के लिए कि किसमें कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है। इन्होंने क्या करा, डी एक्स माइनस डी वाई करा, डी वाई माइनस डी जेड करा, डी जेड माइनस डी एक्स करा। फिर देखो अब इसमें से क्या करा, इन्होंने एक्स वाई को कॉमन ले रखा है, ये चीज़ इन्होंने कॉमन लेकर कर रखी है, तो आप इसके मल्टीप्लायर्स आसानी से चूज़ कर सकते हो। जैसे कैसे करा, इन्होंने इस चीज़ को कॉमन लिया,
फिर क्या करा, इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ से देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड तीनों में कैंसिल हो गया। तो जब कैंसिल हो गया तो ये चीज़ बनी डी एक्स माइनस डी वाई बाई एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस डी जेड। अब इसको आप इसको तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेन काम क्या है, मेन काम ये दो चीज़ें कि आपको देखना है कि सॉल्यूशंस के लिए आपको कैसे टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेंगी, इसके अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। वही सेम सबसे पहले स्टेप पी क्यू आर चूज करना, सेकेंड स्टेप डी एक्स बाई डी पी डी वाई बाई क्यू डी जेड बाई आर इसकी लग्रेंजे एक्सिलरी इक्वेशन को लिखना, देन डी एक्स माइनस डी वाई डिवाइडेड। फिर आपने देखना कि क्या टेक्निक्स यूज़ करनी है, क्या कोई मल्टीप्लायर्स मिल रहे हैं, क्या ऐसे सॉल्यूशन आ रहा है, क्या आपको दोनों किसी को माइनस करना पड़ेगा या किसी को ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है मेन। तो देखो इसके बाद तो क्वेश्चन कुछ नहीं बचा, पहले टू फ्रैक्शन लोगे, इंटीग्रेशन करोगे, इसको आपको पता है इंटीग्रेशन आप प्लस टू में कर चुके हो। यहाँ से एक एक ये सॉल्यूशन आया, सिमिलरली लास्ट टू मेंबर से एक सॉल्यूशन ये आ गया और आपको पता है कि ये सॉल्यूशन क्या होता है। इसको एफ ऑफ यू भी जीरो लिख सकते हो, जो जी लिख सकते हो, u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ v, इन्होंने f की जगह फाइव ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, v इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आपने सॉल्यूशंस को किस टाइप से लिखना है। क्लियर है? अब नाइन्थ एग्जांपल आप खुद ट्राई करना, अगर कोई डाउट आए तो आप पूछ लेना। देखो p q r वही सेम स्टेप्स करें, p q r चूज करा, फिर देखो वही करा dx, इसने मल्टीप्लाइज चूज करे हैं x 1, इसने क्या मल्टीप्लाइज चूज करे हैं, इसने मल्टीप्लाइज चूज करे हैं, पहला चूज करा है ऊपर x, सॉरी इसने मल्टीप्लाइज नहीं चूज करे, यहाँ पर यहाँ क्या करा, देखो ये चीज यूज करी हुई है इन्होंने, इन्होंने ये चीज करी कि आपके पास है देखो यहाँ पर डी एक्स वाई में जेड स्क्वेयर माइनस टू वाई जेड माइनस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू डी वाई है, यहाँ से x को कॉमन ले लिया, ये बन गया y प्लस जेड, ये क्या बन गया डी जेड, एक्स यहाँ से कॉमन वाई माइनस जेड, देखो ये चीज़ करी है इन्होंने, ठीक है x कॉमन लिया। अब क्या करा इन्होंने इस वाले, अब इन्होंने क्या करा इस वाले, अब इस पूरे को क्या करा x से मल्टीप्लाई कर लिया तीनों साइड, ठीक है। तो देखो x से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर डी माइनस टू वाई जेड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम सेम करते हैं। देखो यहाँ x से मल्टीप्लाई करोगे ये नीचे x से ही कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा डी वाई बाय में वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू डी जेड बाय में वाई माइनस जेड। क्लियर है स्टेप्स? तो ये चीज करी इसके बाद, ये चीज आ गई आपके पास। अब इन्होंने मल्टीप्लायर्स को चूज करा, क्या मल्टीप्लायर्स चूज करे इन्होंने, वन वाई और जेड, ये मल्टीप्लायर्स चूज करे हैं। देखो चूजिंग द मल्टीप्लायर्स, ये ध्यान टेक्निक्स आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी कि कौन से क्वेश्चन में क्या टेक्निक अप्लाई करनी है। ये करा तीनों का सम करा, डिनोमिनेटर जीरो बन गया, यहाँ से आपका जीरो, यहाँ से एक सॉल्यूशन आ जाएगा। फिर कौन से, लास्ट के टू फ्रैक्शन, या पहले कर चुकी हो लास्ट के टू फ्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई डी वाई माइनस जेड डी वाई इज इक्वल्स टू वाई डी जेड प्लस में जेड डी जेड। फिर क्या करा, इसको इधर रखा, इसको आप उधर ले जाओगे, इसको इसका ये यही होता है डेरिवेटिव ऑफ वाई इंटू जेड, क्योंकि देखो ओपन करो डी टोटल डेरिवेटिव है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जेड का डी जेड प्लस में जेड एज इट इज वाई का डी वाई प्लस में, इसको आप लिख सकते हो डी इंटू जेड, आप इसको ओपन करके देखो यही आएगा, देखो इसको ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको, वन बाय टू है, डी का मतलब है इसका डेरिवेटिव, तो टू जेड इंटू में डी जेड, टू से टू कैंसिल, यही आ गया, इसको आप ये लिख सकते हो। ये ध्यान रखना है क्योंकि आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो आपको ये टेक्निक्स याद रखनी पड़ेंगी कि आपको कौन सा स्टेप्स कहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद सॉल्यूशन आ गया फाइव ऑफ यू इंटू वी की फॉर्म में आप इसको लिख सकते, ठीक है। तो अब आपका ये नाइन्थ एग्जाम्पल आप ट्राई करना। टेंथ देखो, सोल्व एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई जेड इंटू पी प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर माइनस जेड एक्स इंटू क्यू इज इक्वल्स टू जेड इंटू एक्स प्लस वाई। सेम पहला स्टेप पी क्यू आर फाइंड आउट करोगे, सेकेंड स्टेप एक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे, थर्ड स्टेप्स देखोगे क्या कुछ बन रहा है, दोनों को माइनस करने से कुछ आ रहा है, कोई फैक्टर आ रहा है, या तीनों को सम करने पर तीनों जो इक्वेशन जो आपकी एक्सिलरी इक्वेशन बनी है, जब आप तीनों का सम कर रहे हो क्या कुछ आ रहा है, वो चीज़ें डिपेंड करोगे, देखोगे। अब इन्होंने मल्टीप्लायर चूज करे, वन माइनस वन और जीरो। जब इन्होंने मल्टीप्लायर्स चूज करे, देखो क्या आया, जब इन्होंने मल्टीप्लायर्स चूज करे, ये वन है ये माइनस वन है, तो क्या देखो इन्होंने डायरेक्ट नहीं लिखा, यहाँ मल्टीप्लायर चूज करोगे ये चीज़ जीरो, सिर्फ माइनस आएगा डी एक्स माइनस डी वाई बचा, ये चीज़ आ गई। नीचे देखो ये जब माइनस करोगे तो कौन सा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मैं आपको करके दिखाती हूँ, यहाँ से देखो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, माइनस करोगे ना दोनों को, वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा और दोनों में सम आ जाएगा,
आगे एक चीज क्लियर है यहाँ से। अब इन्होंने दूसरा मल्टीप्लायर चूज करा, दूसरा मल्टीप्लायर क्या चूज करा, एक्स वाई कोमा जीरो, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, फिर इन दोनों का सम करा। अब देखो एक इक्वेशन ये आई हुई है, एक इक्वेशन ये सेकंड आई हुई है, दोनों को कंपेयर करो, यहाँ भी डी एक्स वाली फैक्टर है, यहाँ भी है, इक्वेट कर सकते हो, ये चीज आ गई। यहाँ से जेड से जेड, यहाँ से एक्स प्लस वाई कैंसिल, तीनों से कैंसिल हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये चीज बनेगी। आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हो, यहाँ से जेड कैंसिल, डी जेड इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई बचेगा, इंटीग्रेशन कर सकते हो आसान से, प्लस में ए इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। आ गया एक सोल्यूशन, ये आपका यू आ गया सोल्यूशन, वी फाइंड आउट करोगे लास्ट टू मेंबर ऑफ फोर्थ के, इससे करोगे। कैसे करोगे, डी जेड वाई डी जेड बाई दिस प्लस में दिस, ये लिया डी जेड बाई ये लिया है और दिस, फिर दोबारा से आप इसको लिख सकते हो वन बाई टू डेरीवेटिव, ये तो प्लस टू में फॉर्मुलेस पढ़ चुके हो। इंटीग्रेशन करोगे लॉग जेड प्लस में इज इक्वल टू दिस, फिर टू इधर लेके चले जाओगे, ये चीज़ लॉग बी, सी को एक नया नाम दे दिया लॉग बी, ये बी की वैल्यू आ गई, तो जनरल सोल्यूशन आपका फाइंड आउट। सेम क्वेश्चन हैं, सिर्फ पहला स्टेप वही सेम कि आपको आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन, आपको पी क्यू आर फाइंड आउट करना है, सेकंड स्टेप्स आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। मेन काम इन क्वेश्चंस में सिर्फ जो चीज़ याद रखनी है, आपको मल्टीप्लायर्स क्या चूज करने हैं, आपने देखना है क्या दोनों को सम करने पर, तीनों को सम करने पर नीचे जीरो बन रहा है, या दोनों को माइनस करने पर कोई फैक्टर आ रहा है, या चारों दोनों जब नीचे जीरो नहीं बनेगा तो चारों को इक्वेट करोगे, देखोगे वहां से कोई सोल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है। आपको दो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इस पूरे चैप्टर में, चीज को ध्यान रखना, क्लियर। अब हम जाते हैं 11th क्वेश्चन पे। सोल्व x माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स प्लस वाई इंटू क्यू इज इक्वल टू टू एक्स। पहला स्टेप पी क्यू आर को फाइंड आउट करना, करा लग्रेंजे सब्सिडेंडरी इक्वेशंस आर डी एक्स बाई में दिस, डी वाई बाई में दिस। अब आपने देखो, आप अपने ना अपने अकॉर्डिंग देखो, क्या इनको सम करने से कुछ आया, क्या इनको काटने से कुछ आया, आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो देखो इन्होंने क्या चीज़ करी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने टेकिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स ले लिया, टेकिंग द फर्स्ट टू मेंबर्स। क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इन्होंने देखो फर्स्ट टू मेंबर्स लिए, ये दोनों मेंबर्स लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, देखो करी करी क्रॉस मल्टीप्लाई, डी वाई बाय में डी एक्स दिस। तो इसको हम सॉल्यूशन चीज़ें से फाइंड आउट नहीं हो रहा, तो इन्होंने क्या करा, पुट करा वाई को वी एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस एक्सरसाइज का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। इन्होंने क्या करा, तो कि हमें इसी में कुछ पुट करना पड़ा है, मिसलेनियस है ये 8th के बाद, तो इसमें कुछ भी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी टेक्निक कब यूज़ करनी है आपको। सबसे पहले फर्स्ट टू मेंबर लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आई, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, पुट करा वाई को वी एक्स, वाई को क्या पुट करा इन्होंने, वी एक्स। देखो डी वाई बाई एज इट इज, वाई को पुट करा इन्होंने, वाई को क्या पुट करा है, वाई को पुट करा इन्होंने वी एक्स। तो सॉरी, पहले इसको आप डेरिवेटिव करो, पुट करा, इसमें आपको करके दिखाती हूँ। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है डी एक्स बाई में एक्स माइनस वाई इक्वल टू डी वाई बाय में एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू डी जेड बाय में टू एक्स जेड। इन्होंने लास्ट ये फर्स्ट टू मेंबर लिए, देखो क्या करा, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई क्या बनेगा, डी वाई बाय में डी एक्स, इन दोनों से करा। अब आपको जो स्टेप्स टेक्निक याद रखनी है, हमने वाई को ऐसा आपने ओडी में काफ़ी बार करा है, ऐसी चीज़ें ओडी बन जाएगी, तो आपने चीज़ कर रखी है ओडी में क्वेश्चन। इसको डेरिवेटिव करो, यहाँ क्या आएगा एक्स के विद रिस्पेक्ट टू, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करो, एक्स का डेरिवेटिव वन वी एज इट इज प्लस वी का डेरिवेटिव डी वी बाई में डी एक्स इंटू में एक्स एज इट इज आ गया। अब क्या करोगे, अब ये चीज आपके पास आ गई, अब इसमें क्या करो, अब इसमें इसकी वैल्यू को पुट करो। क्या देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, वी प्लस में एक्स डी वी वाई में डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या रख सकते हो आप, एक्स को एज इट इज रखो, वाई की जगह क्या आएगा वी एक्स प्लस डिवाइडेड बाई एक्स को एज इट इज रखो, वाई की जगह क्या आएगा माइनस ऑफ वी एक्स, क्लियर है। इसमें से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन आएगा कट जाएगा दोनों नीचे ऊपर से, वन माइनस में वी आ गया, तो क्या बचा, वी को उधर ले जाओ, एक्स डी वी वाई में डी एक्स इक्वल्स टू वन प्लस में वी, वन माइनस में वी, माइनस में वी,
क्लियर है? सिर्फ एक टेक्निक्स है ये, आप ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ चुके हो कि जब आपके पास इक्वेशन सोल्व नहीं होती तो आप उसमें कुछ पुट करते हो। अब इसका एलसीएम ले लो तो सोल्व करो इसको, तो 1 + v रहेगा माइनस में, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा v आएगा ये भी, और ये माइनस सॉरी 1 + v माइनस v, और यहाँ प्लस का वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 - v, वी से वी कैंसिल, तो क्या बचा एफ से डी वी बाई में डी एक्स इक्वल्स टू 1 + v² 1 - v, ये चीज़ आ जाएगी। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके चेंज करो पहले, तो ये बन जाएगा 1 - v 1 + v² यही बनेगा डी वी इक्वल्स टू कितना बनेगा डी एक्स बाई में एक्स, इंटीग्रेशन ले लो दोनों साइड। क्लियर, हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इंटीग्रेशन ले लो। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, आप प्लस टू में पढ़ चुकी हो, इसका लॉग एक्स होता है और इसका इंटीग्रेशन देखो, ये चीज आ गई आपके पास, पूरा सॉल्व हो गया। सॉरी, इसका इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स वी माइनस में 1/2 लॉग 1 + x² इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस में सी। अब इसके बाद क्या करा, मल्टीप्लाई करी, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको उधर लेके चले जाओगे राइट साइड ले गए प्लस में लोग, अभी देखो आपको पता है ये कैसे चीज करी, देखो जब 2 को इसके साथ लेके जाओगे यहाँ से 2 हटेगा यहाँ 2 आएगा, जब आपको पता है कि आगे होता है वो एंगल में चला जाता है, ये लोग एक्स स्क्वायर बन जाएगा और इसको एक नया नाम दे दिया लोग। ये स्टेप्स थोड़ा ध्यान रखना कि यहाँ पर ये लोग एक्स स्क्वायर कैसे बना, 2 इसका यहाँ जाएगा, ये यहाँ 2 है, ये वाला 2 यहाँ गया, ये वाला 2 यहाँ गया, आगे वाला 2 एंगल में चला जाता है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से। उसके बाद देखो प्लस वाली चीज़ है, प्लस वाली चीज़ लॉग ए प्लस लॉग बी लॉग इनटू आ जाता है, ये चीज़ अप्लाई कर दी, लॉग इनटू आ गया तीनों को 2 इनवर्स, फिर इसके बाद क्या करा वी की वैल्यू पुट करी, क्या वी को क्या पुट करा था आपने, वाई को पुट करा था वी एक्स, वी कितना आ जाएगा वाई बाई एक्स, यहाँ से वैल्यू पुट करी। उसके बाद क्या करा एक्सपोनेंशियल ले लिया, ई ई लोग हटाने के लिए ये चीज़ आ गई, ए की वैल्यू आ गई। सेकंड में क्या करा मल्टीप्लायर चूज़ करी, ये तो आप कर चुके हो मल्टीप्लायर्स काफ़ी बार चूज, तीनों को सम करा नीचे 0 आ गया, तो यहाँ से एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। कुछ नहीं है मेन, आपको इसमें मल्टीप्लायर्स चूज़ करने आने चाहिए या आपको टेक्निक्स आनी चाहिए, जितनी इन इन इस चैप्टर की प्रैक्टिस जिस जितनी इस मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे उतना आपका ये मैथ्स स्ट्रॉन्ग होगा, और यही ये इसमें आगे नेट में काफ़ी यूज़ है इसका, एचटेट वगैरह में भी इस मैथ्स का काफ़ी यूज़ है, तो इसको हर एक क्वेश्चन को ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th, इसको आप खुद ट्राई करना 12th क्वेश्चन को, फिर अगर कोई डाउट आए तो बताना। पहले हम करते हैं इसका 13th क्वेश्चन है, 13th क्वेश्चन देखो, 13th है 14th और इसके 15th, तीन क्वेश्चन रहते हैं, पहले आप देखो इसका 13th क्वेश्चन। सोल्व y प्लस जेड प्लस टी, अब इस चीज़ को ध्यान रखना, अब मैंने आपको बताया था कि पीडी होती क्या है, पीडी वो होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा लीनियर इंडिपेंडेंट फंक्शंस होते हैं, यही था ना, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उसको आप पीडी बोलते हो। अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन विच कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 3 हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन में कितने हैं 3 हैं, बाकी अब तक आपने जो 12 एग्जाम्पल तक पढ़ा उसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करी थी, यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं 3 वेरिएबल हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। सबसे पहले वही dx वाला, अब देखो एक dx है एक y है और एक z है, और t यहाँ पर क्या है, t यहाँ पर ले लिया आपने 4, ठीक है, t यहाँ डिपेंडेंट है, x y z यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, बना दी इक्वेशन। ईच ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू, अब क्या करा dx माइनस dy, dy माइनस dz, ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, ठीक है, यहाँ से देखो नीचे वाला 0 नहीं बना था, तो इन्होंने क्या करा चारों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, पहले 2 मेंबर्स एक सॉल्यूशन इजी से आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं है सॉल्यूशन में, लेकिन क्या ध्यान रखना है कि इसमें 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये चीज़ ध्यान रखना, पहले 2 मेंबर्स से सॉल्यूशन निकल गया, सॉल्यूशन तो आराम से निकल जाएगा, ये चीज़ आप पहले कर चुके हो, लेकिन 2, अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें
कितने कितने सॉल्यूशंस आएंगे, तीन आएंगे, क्यों? क्योंकि तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग एक एल आई सॉल्यूशन निकलता है, एक लीनियर इंडिपेंडेंट। ये चीज़ ध्यान रखना, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे उसके कोरस्पॉन्डिंग उतने एल आई सॉल्यूशंस निकलेंगे। आपने 12 तक के एग्जाम्पल में दो लीनियर इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात करी थी, इसलिए वहाँ पर दो एल आई सॉल्यूशंस निकले थे। यहाँ कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं? यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन हैं, तो कितने सॉल्यूशन, कितने कॉन्स्टेंट फाइंड आउट करोगे? तीन, ए बी और सी, फिर कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? तीन। इस चीज़ को ध्यान रखना, उसी फॉर्म में है। देखो, ए निकाला, सेकेंड थर्ड से बी निकाला, थर्ड फोर्थ से सी निकाला, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो इंटी सी ए निकाला, तो इसके सॉल्यूशंस को लिखा हुआ है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, तीन है ना, तो ये किसका फॉर्म बनेगा? एफ ऑफ यू वी और डब्ल्यू इक्वल टू जीरो, ये फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि ये एल आई सोल्यूशन का कॉम्बिनेशन, तीन बार है, तीन आएंगे एल आई को सोल्यूशन, क्योंकि तीन यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको सॉल्व करना वही सेम स्टेप है, कुछ नया काम नहीं है। देखो कि डी एक्स माइनस डी वाई करा, नीचे वाला डिनोमिनेटर जीरो नहीं बना, तो कंपेयरिंग करी इक्वेशंस को, पहले दो से एक सॉल्यूशन आया, दूसरे तीसरे से एक सॉल्यूशन आया, तीसरे चौथे से एक सॉल्यूशन आया, और कुछ नहीं करना, करके देखना, कोई डाउट आए तो पूछ लेना। थैंक यू। अब इसके 14th, 15th एग्जाम्पल हम, 14th है और कौन सा है, 15th एग्जाम्पल है, 14th कर लेते हैं, 14th एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वही सेम पी क्यू और जेड। डी एक्स क्या है? पी क्या है आपका? कोस एक्स प्लस वाई। क्यू क्या है? साइन एक्स प्लस वाई। आर क्या है आपका? जेड। करा मल्टीप्लाई, चूज करे डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई चूज कर, देखो ये जीरो चूज करा, जीरो करने पर ये चीज़ जीरो, सिर्फ दोनों का कॉम्बिनेशन, डिनोमिनेटर जीरो नहीं बना, इसको एज इट इज रख दोगे आप। फिर उसके बाद क्या है, टेकिंग द मल्टीप्लायर्स, अगर मल्टीप्लायर चूज करे दिस, देखो अब देखो कैसे करा, इन्होंने कंपेयर करा, जैसे क्वेश्चन में आप पहले कर चुके हो ये चीज़। यहाँ क्या है, डी एक्स बाय में कोस, मतलब ये भी एक्स वाला फैक्टर, ये भी एक्स वाला फैक्टर, कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर करा, ये चीज़ तो जीरो बन गई। यहाँ से किसको, यहाँ से ये चीज़ ले ली और यहाँ से इसकी ये चीज़ ले ली, क्योंकि कर सकते हो कंपेयर, जो दोनों इक्वेशंस इक्वल हैं, इस ये भी डी एक्स बाई कोस एक्स प्लस वाई की इक्वल है, ये भी डी एक्स बाई कोस, तो कंपेयर कर सकते हो, इधर से ये चीज़ उठाई, इधर से ये चीज़ उठाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, ये कोस इधर सेम ये चीज़ कर चुकी हो, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस वाले में ये चीज़ इधर ले गई, इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब क्या करा, इंटीग्रेशन करा इसका, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, नीचे क्या है, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है, तो आपको पता है इसका फॉर्मूला ये होता है लॉग ऑफ दी, ये तो फंक्शन होता है ना, ऊपर अगर फंक्शन हो नीचे उसका डेरिवेटिव हो तो ये लॉग ऑफ फंक्शन आ जाता है, वही सेम स्टेप, वही इंटीग्रेशन वाला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, वाई का माइनस वाई, और यहाँ पर लॉग इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ मेन स्टेप वहाँ था कि आपको पहले दो फ्रैक्शन से कैसे करना, जैसे आपने इससे लिया और एक आपने इससे काम करा। इंटीग्रेशन वी हैव लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस वाई प्लस में दिस, इंटीग्रेशन करा, यहाँ से कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाला, कितने कॉन्स्टेंट्स आएंगे? दो कॉन्स्टेंट्स आएंगे, क्योंकि दो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। ए निकाला, अब लास्ट टू फ्रैक्शन लिया, कौन कौन से लास्ट टू फ्रैक्शन? थर्ड की, थर्ड के लास्ट टू फ्रैक्शन कौन से थे? ठीक है, मल्टीप्लाई चूज करें, थर्ड के लास्ट टू फ्रैक्शंस ले लिए, एक ये वाला फ्रैक्शन ले लिया, एक ये वाला फ्रैक्शन ले लिया, तो क्या करा, ये वाला फ्रैक्शन ले लिया, अब क्या करा, इसमें लास्ट टू फ्रैक्शंस लिए, इसका इंटीग्रेशन करा, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसमें ध्यान रखना एक्स, ये आप कर चुके हो चीज़ें प्लस टू में, आप कई बार पुट करते थे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक्स प्लस वाई को टी पुट करा, इंटीग्रेशन करो, डेरिवेटिव करो पहले इसका, डी एक्स प्लस में डी वाई इज इक्वल्स टू डी टी, वैल्यू पुट करी, यहाँ से दिस आ गया, इसका आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करा और 1/2 से ही डिवाइड करा, 1/√2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो इसके बाद सॉरी कोस टी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 1/√2 की वैल्यू कितनी होती है, कोस पाई बाय 4, इसकी कितनी होती है साइन पाई, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रोसीजर है, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी फॉर्म में, ये इसके बाद, इसके अलावा क्या किसका फॉर्मूला है, ये कोसिकेंट ऑफ पाई बाय 4 प्लस टी का अप्लाई करा, इंटीग्रेशन करा, इंटीग्रेशन आप प्लस टू में कई चीज़ें कर चुकी हो, फॉर्मूलेज आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, यहाँ से फिर वही एक सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। सॉल्यूशन मेन आपको इंटीग्रेशन आने चाहिए इसके लिए, जो आप प्लस टू में करके आए हो, या आपने फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर में कैलकुलस में भी इंटीग्रेशन काफ़ी पढ़ा है, उसके बेस पर ये क्वेश्चन होंगे,
उसके बाद दो सॉल्यूशंस आ गए तो आप उसको एफ ऑफ यू इंटू वी की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब इसका 15th एग्जाम्पल आप एक बार खुद ट्राई करना, वही सेम प्रोसीजर रहेगा। पी के ओ आर फाइंड आउट करा, मल्टीप्लाई चूज करे, लास्ट वाले का डिनोमिनेटर जीरो नहीं बना तो क्या करोगे आप, मेंबर्स लोगे इसके। देखो इन्होंने पहला सॉल्यूशन इन दोनों से निकाला, फिर इसको सोल्व कर रखा है, इंटीग्रेशन बोथ साइड करा, फिर सेम लास्ट के टू मेंबर्स एक सॉल्यूशन और निकाला, इस मेंबर और इस मेंबर से वही सेम टेक्निक यूज़ कर रखी है। आप इसका 15th क्वेश्चन ट्राई करके देखना, कोई डाउट हो तो लेक्चर में पूछ लेना। थैंक यू।